टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड, एज वी ऑल नो कि जो टीसीएस के प्रोविजन देता है बिफोर व्हेन व्हेन जीएसटी केम इनटू द पिक्चर एंड ऑल दैट, टीसीएस कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता था, लाइक स्क्रैप्स वगैरह, जिनके ऊपर टीसीएस का प्रोविजन पहले से था. लेकिन इन बिटवीन जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन सब सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज 2061H, which states that if there are some circumstances, there are some scenarios in which TCS would be applicable on all kind of sale of goods, okay, all kind of supply of goods, okay, outward supply of goods. अब वो condition क्या है? वो इस second subsection के अंदर लिखी हुई है, पहले हम उसको देखेंगे, and then कब कब ये section apply नहीं होता, उसके बारे में हम देखेंगे. And after that we will see कि किस तरीके से हम इसको जो है अपने product के अंदर, टैली product के अंदर हम जो है इसको use कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको enable कर सकते हैं. ठीक है, तो let's move forward. So this is the agenda for today. First we'll talk about little bit about the domain part, what 2061H. And then we'll see the different modes of calculation. Like first one is on realization basis, another one is on accrual basis, third one overriding the realization to accrual. And ये चीजें क्या हैं, ये terminology क्यों use हो रही है, आपको during the session काफी अच्छे से clear हो जाएगा कि realization basis क्या है और accrual basis क्या है. Okay? Then tax, TCS के ऊपर हम कैसे collect कर सकते हैं. देन अगर कोई गवर्नमेंट पार्टी है तो उसके ऊपर किस तरह से ट्रीटमेंट होगा. सेकंड पॉइंट इज दैट कि अगर कोई पार्टी ऐसी है, बिकॉज आई हैव सेड कि अगर कोई ऐसी सर्विसेज हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके ऊपर बायर टीडीएस काट रहा है, तो उस प्रोविजन में क्या होगा. क्योंकि अगर वो टीडीएस काट रहा है और हम उस पर टीसीएस कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली दैट वुड बी डबल टैक्सेशन, टैक्स ऑन टैक्स का एक जो चीज है वो यहाँ दिखेगा. एंड पेमेंट ऑफ टीसीएस. ठीक है, तो ये बेसिकली एक पॉइंट है जिस पर हमारी आज की प्रेजेंटेशन जो है वो चलेगी. तो सबसे पहले हम सेक्शन के बारे में जान लेते हैं, 206C(1) सबसेक्शन 1H. ये इसकी एप्लीकेबिलिटी कब है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी दो चीजों पर निर्धारित करती है. सबसे पहला है टर्न ओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो सप्लायर है उसकी कंपनी का टर्न ओवर, और दूसरा जो बायर है, जो बायर है उसका उस साल में, मतलब जिस साल में हम टीसीएस एप्लीकेबल करना चाहते हैं उस साल में कंपनी के साथ उसका कंसिडरेशन वैल्यू क्या था, या एडवांस क्या था. मतलब बेसिकली इट इज ऑन पेमेंट बेसिस. जब हम रियलाइजेशन और डिस्कस करेंगे, देन आपको थोड़ा सा कंसीडरेशन का मतलब जो है ज्यादा अच्छे समझ जाएगा. यहाँ मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि कंसीडरेशन का मतलब ये है कि आपने किसी को कोई सेल करी और उसके अगेंस्ट में आपको पैसा मिला, दैट्स फॉर कंसीडरेशन. ठीक है, इसके अलावा एडवांस अमाउंट रिसीविंग भी इसके अंदर कवर होता है. अगर आपने किसी से एडवांस अमाउंट रिसीव किया है, दैट आल्सो कम्स अंडर दिस क्राइटेरिया, कंसीडरेशन ड्यूरिंग द ईयर. तो ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो टीसीएस डिडक्ट करेगी या नहीं करेगी. ये दो पैरामीटर्स के ऊपर होता है, पहला कंपनी का टर्नओवर के ऊपर, एंड अनदर वन इज कंसीडरेशन विद द पार्टी. जो मेरी पार्टी है जिसके साथ मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, जिसको मैं गुड्स दे रहा हूँ, उसके साथ मेरा इस फाइनेंशियल ईयर में कितना टर्नओवर हो गया है. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि कंपनी के ऊपर क्या कंडीशन लगती है. तो कंपनी का टर्न ओवर अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, टर्न ओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अगर 10 करोड़ से ज्यादा था, ठीक है, टर्न ओवर के बारे में बहुत ज्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा. यहाँ पर 10 करोड़ से ऊपर अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में मेरा टर्न ओवर था, तो ये जो सेक्शन सबसेक्शन थे ये मेरी कंपनी पर अप्लाई होगा.
ठीक है. दूसरा है अगर 10 करोड़ से कम है तो दैट सेक्शन एंड सबसेक्शन विल नॉट अप्लाई माय कंपनी. तो ये तो कंपनी की साइड से हो गया, कंपनी पे एप्लीकेबल है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे अपने कस्टमर्स के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना शुरू कर दी. आपको अपनी कंपनी के कस्टमर्स की भी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी. कस्टमर्स की प्रोफाइल में आपको क्या देखना है, क्या चेक करना है, दैट इज कि जो कस्टमर आपके साथ जुड़ा हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, जैसे अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, क्या इस फाइनेंशियल ईयर में उसके साथ आपका कंसीडरेशन वैल्यू या फिर एडवांस अमाउंट, क्या वो टोटल जो आ रही है दोनों को जोड़ते, क्या वो 50 लाख से ऊपर गई, ठीक है, या फिर 50 लाख से कम है. यानी कि मान लीजिए मेरे 10 कस्टमर है और 10 में से सिर्फ 2 कस्टमर ऐसे हैं जिनके साथ मेरा टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है. अब देखिए यहाँ पे जो टर्म यूज कर रहा हूं मैं, टर्नओवर और कंसीडरेशन, यही आपको समझने में मदद करेगा कि कंसीडरेशन किससे जुड़ता है और टर्नओवर किससे जुड़ता है, ठीक है. तो टर्नओवर सभी को पता है, जनरली हम लोग जो कैश और क्रेडिट सेल करते हैं उस वो हमारे टर्नओवर की क्राइटेरिया में आता है, ठीक है. जबकि कंसीडरेशन आता है उस सेल के अगेंस्ट में किए गए पेमेंट पे. तो ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी के साथ मेरा टर्नओवर 1 लाख का हो, लेकिन उसके साथ मेरी कंसीडरेशन जो है सिर्फ 75,000 की. यानी कि कंसीडरेशन 75,000 का मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन तो उसके साथ मेरा जो है 1 लाख का हो गया, लेकिन सिर्फ 75,000 रुपीज जो है उसने मुझे कंसीडरेशन बैलेंस दिया, ठीक है. तो अगर ऐसा कोई कस्टमर है जिसका कंसीडरेशन वैल्यू या एडवांस अमाउंट दोनों मिला के उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ऊपर चला गया है, तो उस कस्टमर के ऊपर ये सेक्शन या सबसेक्शन अप्लाई होगा. तो जब तक दोनों एप्लीकेबल की कंडीशन नहीं सही होगी, तब तक आप वो कंपनी उस कस्टमर से टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकती. अब फर्स्ट लीजिए, कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर तो 10 करोड़ से ऊपर है, लेकिन उसका कोई भी कस्टमर का जो कंसीडरेशन है या एडवांस रिसीट है मिला के 50 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है. कोई भी कस्टमर 50 लाख से ऊपर नहीं जा रहा. ये सारे कस्टमर को हम नहीं जोड़ेंगे, इंडिविजुअल कस्टमर को देखेंगे. अगर मेरे 10 कस्टमर है तो हर कस्टमर का मुझे देखना पड़ेगा कि उसका टर्नओवर कंपनी के साथ क्या चल रहा है, उसकी कंसीडरेशन क्या चल रही है, ठीक है. इसी तरह अगर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, मेरी कंपनी का टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से कम था, लेकिन मेरा एक कस्टमर है जिसका मेरे साथ कंसीडरेशन वैल्यू एडवांस अमाउंट मिला के 75 लाख हो रहा है, तो एक कंडीशन नॉट एप्लीकेबल की है, दूसरी एप्लीकेबल की है. तो इस केस में भी आप टीसीएस चार्ज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा. तो जब तक दोनों कंडीशन दोनों तरफ, कंपनी की तरफ और कस्टमर की तरफ, दोनों तरफ अगर एप्लीकेबल कंडीशन नहीं है, तो आप उस कस्टमर, वो कंपनी उस पर्टिकुलर कस्टमर से टीसीएस कलेक्ट नहीं कर. तो दैट वाज द डोमेन पार्ट. नाउ वी कम टू सम सिनेरियोस जिसमें हम डायरेक्टली रियलाइजेशन बेसिस और अक्रूअल बेसिस. रियलाइजेशन बेसिस का मतलब ये होता है कि हमने किसी को कोई चीज सेल करी और उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ पैसा मिला, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम रियलाइजेशन कहते हैं. और अगर उस प्रोसेस पे TCS लगाया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा कैलकुलेशन ऑफ TSS ऑन रियलाइजेशन बेसिस. मतलब जब मुझे पैसा मिल रहा है मैं उस पर TCS चार्ज कर रहा हूं, जो कि एज पर लाइन्स है जो होनी चाहिए, ठीक है. लेकिन देयर आर ए प्रैक्टिस जिसके अंदर लोग कंफर्टेबल नहीं है इस रियलाइजेशन प्रैक्टिस के साथ, तो दे व्हाट दे डू, दे एक्चुअली कैलकुलेट द TCS व्हाइल बिलिंग. At the time of billing to the customer, they are charging TCS on the invoice. ठीक है, इससे थोड़ा उनका लेजर रिकंसिलेशन भी आसान हो जाता है, सामने वाले कस्टमर को भी विजिबिलिटी मिल जाती है कि कितना हमें पैसा पे करना है. जबकि देखा जाए अगर लाइन बाय लाइन चले तो दैट शुड बी ऑन रियलाइजेशन बेसिस, ठीक है. तो यहाँ पे हमें अब आई थिंक जो डिफरेंस था रियलाइजेशन बेसिस और अक्रूअल बेसिस का वो आपको पता होगा. जब भी हम बात करेंगे कि हम TCS का कैलकुलेशन रियलाइजेशन बेसिस पे कर रहे हैं, तो आप ये देखोगे कि टैली में हम जो टैक्स कलेक्ट कर रहे होंगे या TCS की जो कैलकुलेशन कर रहे होंगे, वो पैसा मिलने के टाइम पर. और जब भी हम ये कहेंगे कि TCS जो है वो अक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेट होगा, तो आप ये देखोगे कि वो सारा का सारा जो TCS का कैलकुलेशन हो रहा है वो सेल का बिल बनाते हो थोड़ा, ठीक है. तो एक एक कंडीशन लेके चलते हैं, इसमें कुछ आपके एक्सेप्शन भी होंगे,
एक्सेप्शन का मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर आपको टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है, भले ही आपकी दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही हो, कंपनी वाली भी और कस्टमर वाली भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को ले रहे हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि टैक्स को टीसीएस को हम रियलाइजेशन बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन दिया है कि जो नेशनल ट्रेडर एक कंपनी है, ठीक है, उसका टर्नओवर जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ क्रॉस कर गया है, एंड देयर आर नंबर ऑफ कस्टमर हूज टर्नओवर क्रॉसेस 50 लाख विद इन द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो कंपनी है उसका खुद का टर्नओवर तो 10 करोड़ पिछले साल कवर हो गया था, क्रॉस कर गया था, और इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में उसके बहुत से ऐसे कस्टमर है जिनका जो टर्न ओवर है बेसिकली या जो कंसिडरेशन वैल्यू है एडवांस अमाउंट है वो जो है दोनों मिला के 50 लाख क्रॉस कर, यानी कि दोनों कंडीशन पॉजिटिव है और दैट इज द परफेक्ट सिचुएशन वेयर टीसीएस शुड बी कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम बायर। तो एक कंपनी का नाम यहाँ दिया है कि जैसे नेशनल ट्रेडर का एक कंपनी का एक कस्टमर है जिसका नाम आनंद इंटरप्राइजेस है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कंपनी क्रिएट कर रहे हैं सर्व बचाने के लिए, हमने ऑलरेडी डेमो डेटा कर रहा है बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। सो आई क्रिएटेड वन कंपनी नेशनल इंटरप्राइजेस और इसके अंदर हमने क्या किया, टीसीएस को इनेबल कर लिया, टीसीएस की जो भी डिटेल थी वो हमने सारी यहाँ पर फिल कर दी। ठीक है, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल थी वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया और इसको हमने सेव कर दिया। हमने जीएसटी को भी यस किया है बट जीएसटी वाले पॉइंट में तब आएंगे जब हम एक्चुअल उस सिनेरियो में जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं जीएसटी को स्किप कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखिए हम रियलाइजेशन बेसिस की बात कर रहे हैं, दिमाग में बात क्लियर होनी चाहिए का मतलब ये है कि हम टीसीएस का कैलकुलेशन तभी करेंगे जब हमें कोई पैसा मिल रहा होगा, चाहे वो किसी पुरानी सेल के अगेंस्ट में मिल रहा हो या फिर कोई एडवांस इश्यू में मिल रहा हो। तो इन रिलेशन के केस में आपको ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कह रहा है कि हमने आनंद इंटरप्राइजेस से हमें 55 लाख रुपए मिले हैं। अब टीसीएस की जो कैलकुलेशन होती है उसका तरीका भी समझना पड़ेगा, तो वो तरीका हम जब TCS के मास्टर्स बनाएंगे तो मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करूँ। सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द ट्रांजेक्शन, सो व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे रिसीट का वाउचर ओपन कर लिया। ठीक है, मैंने डेट चेंज करी फर्स्ट ऑफ अप्रैल, मैंने बैंक का मास्टर बनाया, तो बैंक के मास्टर में ऐसा कुछ अलग नहीं है, मैंने नॉर्मल बैंक का अकाउंट बैंक अकाउंट पे डाला और उसको सेव कर दिया। नाउ आई क्रिएटेड दिस आनंद एंटरप्राइज जिससे मुझे 55 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या इसका मास्टर क्रिएट किया under sundry debtor because mm-hmm. first advance ले रहा हूँ opportunity I'll be selling him। ठीक है, तो इसको मैंने set किया यहाँ पे TCS applicable yes, then इसका country type क्या है, तो मैंने company resident set कर दिया। now it is saying use TCS advance configuration for TCS। ठीक है, तो इसकी जरूरत अभी हमें यहाँ पर नहीं है, जब होगी मैं आपको बताऊंगा। इसको हमने save किया। दूसरी बात यहाँ मैं यहाँ पे इसका पैन नंबर फिल करना है क्योंकि टीसीएस की जो परसेंटेज है सेक्शन के अंदर वो विद पैन और विदाउट पैन वेरी करता है, जैसे टीडीएस में होता है, इनकम टैक्स में होता है, तो अगर विद पैन है तो अलग परसेंटेज है, विदाउट पैन है तो विल सी। इसको हमने सेव करते हैं। ओके, देन जितनी अमाउंट हमें उससे रिसीव हो रही थी वो हमने यहाँ पे एंटर किया 55 लाख। ठीक है, 55 लाख रुपए हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। इसके साथ हमने एक चीज और बनाई, मैं आपको दिखा देता हूँ अल्टर मास्टर से। TCS नेचर ऑफ गुड्स, हमने TCS नेचर ऑफ गुड्स बनाया TCS ऑन रियलाइजेशन बेसिस के नाम से। ठीक है, ये कहां से बनेगा आप सभी को पता है, आप गो टू में जा सकते हैं, गो टू से क्रिएट मास्टर में जा सकते हैं, और या फिर सबसे बाहर जब आप गेटवे ऑफ टैली पे रहेंगे तो गेटवे ऑफ टैली से भी आप यहाँ पे जाके क्रिएट में TCS नेचर ऑफ गुड्स बना सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, मैं आपको अल्टर में दिखा देता हूँ। तो जैसे TCS नेचर ऑफ गुड्स, मैं पहले रियलाइजेशन बेसिस दे रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सिनेरियो है वो रियलाइजेशन बेसिस का है, मतलब कि हमें जो TCS कलेक्ट करना है वो रिसीविंग के टाइम पे करना है। तो हमने TCS ऑन रियलाइजेशन बेसिस के नाम से एक नेचर ऑफ गुड्स बनाया, देन सेक्शन पेमेंट कोड ये सब कैसे आया ये आप सभी जानते हैं, हेल्पर बटन पे क्लिक करके आप इस लिस्ट को पॉपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका टैली का लाइसेंस चल रहा है वो एजुकेशनल मोड में अगर नहीं है, तो अगर लाइसेंस वर्जन है आपके पास और लाइसेंस चल रहा है तो आप इस पे
206E consideration for sale of any other goods को select कर सकते हैं, ठीक है, और बाद में चाहे तो इसका नाम change कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर change TCS on revenue basis. Then with PAN क्या percentage होना चाहिए और without PAN क्या percentage होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे enter किया, that is for individual and HUF, individual and family, and that is for अलग other collective type. अगर इन दोनों के अलावा कोई और collective type है, मुझे स्कूल जा रही है, तो उसके लिए क्या percentage होना चाहिए मैंने enter किया. जो ध्यान देने वाली बात है वो ये तीन पॉइंट है. सबसे पहला कह रहा है कि क्या इस TCS नेचर ऑफ गुड्स का इस्तेमाल आप यूटिलाइजेशन बेसिस कैलकुलेशन के लिए करेंगे. यस, क्योंकि हमारा पहला सिनेरियो वही है और हमने टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन को हमने जाकर दिया. यस, देन कह रहा है थ्रेशोल्ड कितना है, तो अभी हमने देखा था अपने सेकंड स्लाइड में, सॉरी थर्ड स्लाइड में हमने देखा था कि जो कस्टमर की चीज में चेक करते हुए चेक करना है कि उसका हमारे साथ कंसिडरेशन वैल्यू या एडवांस अमाउंट जो है वो 50 लाख से ज्यादा हो. तो यानी कि टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी तभी होगी जब कस्टमर का हमारे साथ जो कंसिडरेशन वैल्यू या एडवांस अमाउंट हो कच्चा टोटल अमाउंट 50 लाख से ज्यादा हो. तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होगी, 50 लाख, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट वो लिमिट होती है जहां तक अगर आप नहीं पहुंच कर रहे जिसको आप पार नहीं करते हो तो आपको उस टैक्स के बर्डन में नहीं आना पड़ता. तो थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख हो गई. अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है कि हमें जो टीसीएस कलेक्ट करना है वो टोटल अमाउंट में कलेक्ट करना है या फिर सिर्फ जितनी अमाउंट एक्सीड करी उसमें करना है. जैसे कि 50 लाख तक हमारे पास थ्रेशोल्ड लिमिट है और जैसे मेरे साथ किसी कस्टमर की जो कंसिडरेशन वैल्यू टोटल कंसिडरेशन वैल्यू फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर आ रही है, करंट फाइनेंशियल ईयर आ रही है, वो आ रही है 60 लाख, तो क्या पूरे 60 लाख पे टीसीएस लगेगा या फिर सिर्फ 10 लाख पे टीसीएस लगेगा क्योंकि 50 लाख का थ्रेशोल्ड है. तो बहुत क्लियर है कि जो अमाउंट एक्सीड हो रहा है, थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहा है, सिर्फ उतने पर ही आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे. यानी कि एग्जांपल जो मैंने कोट किया 60 लाख का, उस केस में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख के ऊपर पैन या पैन ना होने के केस में जो परसेंटेज है वो अप्लाई होगा, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ 10 लाख. तो इसलिए हमने क्या किया, इस लास्ट ऑप्शन को भी हमने यस कर लिया, जिससे टैली में समझ सकेगा कि हमें एक्सीडिंग अमाउंट यानी कि जो 50 लाख से ऊपर की अमाउंट आ रही है सिर्फ उस पर ही हमें टीसीएस कलेक्ट करना है. दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं. नाउ कम बैक टू द ट्रांजैक्शन अगेन, ठीक है. तो इस ट्रांजैक्शन में हमने पार्टी सेलेक्ट करी, क्योंकि ये हम एडवांस रिसीव कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इसका मेथड ऑफ एडजस्टमेंट एडवांस डाला, उसको एक रेफरेंस नंबर दे दिया. यहाँ पर हमने टीसीएस का मास्टर बनाया. टीसीएस का मास्टर बनाते हुए हमने क्या किया, टीसीएस को हमने ड्यूटी टैक्सेस रखा, देन टीसीएस सेलेक्ट किया, एंड देन यहाँ पे हमने नेचर ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट एंड लाइसेंस सीरीज को हमने एनी कर दिया, ठीक है. अगर हम चाहें तो यहाँ पे रियलाइजेशन बेसिस भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ एनी इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको एक ही कंपनी के अंदर दोनों तरीकों को सेट करना बताऊंगा. अगर बिजनेस डिसीजन ये है कि हम सिर्फ रियलाइजेशन बेसिस पे ही काम करेंगे तो आप डेफिनेटली यहाँ से रियलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं आप अक्रूअल बेसिस पे ही काम करेंगे तो आप यहाँ पे अक्रूअल भी सेट कर सकते हैं, ठीक है. अदरवाइज अगर ऐसा सिनेरियो आ सकता है इन फ्यूचर जहाँ पे आपको एक ही लेजर से दोनों को मैनेज करना पड़े तो आप बेटर है एनी ले लीजिए, और एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन वी विल डिसाइड ये जो टीसीएस का मास्टर है ये किस तरह के टीसीएस के कैलकुलेशन को सपोर्ट करेगा, अक्रूअल बेसिस पे या रियलाइजेशन बेसिस पे. तो क्योंकि मैं एक ही कंपनी के अंदर दोनों तरह का डेटा मैनेज करूंगा, इसलिए मैं इसको एनी रखता हूँ. ओके, तो जैसे मैं एंटर करूंगा ये मुझे टीसीएस एलोकेशन की डिटेल आएगी, क्योंकि मैं अमाउंट रिसीव करते वक्त टीसीएस का कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मुझे रियलाइजेशन बेसिस को सेलेक्ट करना है, ठीक है. मैंने इसको सेलेक्ट किया, जो अमाउंट मैंने ऊपर भरी थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर, और आप देखेंगे इस पर 500 रुपए का टीसीएस कलेक्ट हो रहा है अमाउंट, यानी कि मेरे बैंक अकाउंट में 55 लाख तो आ रहे हैं, 55 लाख के साथ साथ 500 रुपए और आ रहे हैं, ठीक है. वो किसके है, वो टीसीएस के. तो ये 500 रुपए कैसे आए, तो मैंने बताया था कि एक्सीडिंग अमाउंट यानी कि 55 लाख में 50 लाख माइनस हो जाएगा, बचेगा 5 लाख का, क्योंकि ये जो पार्टी है आनंद एंटरप्राइज है इसका मैंने पैन नंबर मेंशन किया हुआ है, तो 0.1% ऑफ 5 लाख, तो 5 लाख का 0.1% आ गया 500, ठीक है. मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है. ये हमारा हो गया. सेकेंड वन इज कि अब जो हमने एडवांस लिया था उसके अगेंस्ट में हमने अपने कस्टमर आनंद एंटरप्राइजेस को कुछ माल सेल किया, ठीक है. लेट्स कम टू द सेकेंड ट्रांजेक्शन. अब सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया, नॉर्मल जैसे सेल्स का ट्रांजेक्शन आप करते हैं करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा हम जो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं अभी वो
रियलाइजेशन बेसिस का कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम सेल्स की एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पर कोई भी टीसीएस अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि टीसीएस ऑलरेडी हमने पेमेंट रिसीव करते वक्त या एडवांस रिसीव करते वक्त लगा दिया है, ठीक है। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के अंदर हमने क्या किया, इसको सेल्स अकाउंट में रखा। जीएसटी इस पे एप्लीकेबल है, लेकिन अभी के ट्रांजेक्शन में मैं जीएसटी को स्किप करूंगा क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अभी हमारा फोकस टीसीएस पे रहेगा। लास्ट में हम एक सिनेरियो लेंगे जहां पे हम जीएसटी के साथ टीसीएस का कैलकुलेशन करेंगे, इसके जीएसटी यहाँ पे ऑलरेडी यस है। तो फिलहाल मैं जीएसटी के पोर्शन को स्किप कर रहा हूँ। नाउ टीसीएस एप्लीकेबल एंड अगेन मैंने यहाँ पे इसको एनी दे दिया, क्यों, क्योंकि मैं, मुझे ये कंफर्म नहीं है कि एक्चुअल अक्रुअल बेसिस पे लेना है या रिलेशन पे लेना है, तो मैं एनी कर सकता हूँ। अदरवाइज आप सेल्स में अक्रुअल बेसिस ले सकते हैं, क्योंकि क्लियर है अगर सेल्स के टाइम आपको टीसीएस लेना है तो आप अक्रुअल बेसिस ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ऐसी भी है कि कुछ सेल्स पर हो सकता है अक्रुअल बेसिस पे ना लगाना हो, क्योंकि रियलाइजेशन बेसिस पे ऑलरेडी टैक्स किया है, तो फिलहाल मैंने इसको एनी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टीसीएस एलोकेशन में कुछ नहीं दूंगा क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्टी का ऑलरेडी रिलेशन बेसिस पे जो डीसीएस को कलेक्ट हो रहा है, एंड देन इसको मैंने सेव कर दिया। अब सेव करते वक्त जो पुराना एडवांस था 55 लाख का वो मैंने एडजस्ट किया, और जो बाकी बचा अमाउंट है, क्योंकि 55 लाख का एडवांस था और साथ में 70 लाख का बिल बना है, तो जो डिफरेंस है वो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेल से टॉप करना पड़ेगा। तो 15 लाख का जो मैं एक नया बिल बना रहा हूँ और इसको मैं सेव करूंगा। सेव करते हुए एरर दे रहा है, विच इज जीएसटी वार्निंग एक्चुअली, क्योंकि मैंने बताया कि मैं जीएसटी के पोर्शन को अभी स्किप कर रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो फिलहाल उसको एक्सेप्ट कर दे, ठीक है। अब जो बैलेंस अमाउंट बचा भाई, हमने जो उसके एडवांस लिया था वो 55 लाख लिया था, बाकी जो एक्स्ट्रा हमने 500 लिया था वो टीसीएस के लिए लिया था, उसका उसके आउटस्टैंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो हमने उससे ले लिया। अब हम जब उसको सेल करेंगे, क्योंकि टीसीएस हमने लिया है उसको देने के लिए गवर्नमेंट को जमा करना है, तो टीसीएस हम गवर्नमेंट को जमा करेंगे, लेकिन जो बैलेंस वो अभी हमें उससे और लेनी है, और उसके ऊपर जो टैक्स आ रहा है वो भी लेना है, क्योंकि जो बैलेंस 15 लाख है उसके ऊपर फिर से मुझे टीसीएस लेना पड़ेगा। तो थर्ड एंट्री यहाँ पे क्या कह रहा है, द कंपनी रिसीव्स रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 15 लाख अगेंस्ट द सेल्स में, यानी कि जो सेल हमने किया था उसमें जो 15 लाख रुपए बच गए थे उसका हमें अमाउंट लेना है, और क्योंकि हम रियलाइजेशन बेसिस को लेकर चल रहे हैं तो हमारा जो टैक्स कैलकुलेशन होगा टीसीएस का वो रियलाइजेशन के टाइम पे होगा, रिसीव वाउचर में होगा। तो लेट्स कम टू दैट, द थर्ड एंट्री, यहाँ पे हमने दोबारा एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट किया, पार्टी सेलेक्ट की, और अगेंस्ट डिफरेंस, क्योंकि पुराना बिल जो IND-1 हमने बनाया था इनवॉइस पर उसको हमने यहाँ पे एडजस्ट किया, एंड टीसीएस हमने इससे टीसीएस क्योंकि हम रिसीव के टाइम पे ले रहे, दैट वुड बी रियलाइजेशन बेसिस। तो 15 लाख का, क्योंकि ऑलरेडी उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है ना, जो लिमिट आ गई है वो जितना भी अमाउंट आएगा वो 50 लाख के ऊपर आता जाएगा, तो अब जितना भी अमाउंट यहाँ पड़ेगा उसके ऊपर जो है 0.1% रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुका है 50 लाख, ये आनंद इंटरप्राइजेस ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, तो इसलिए पूरे 15 लाख के 0.1% यहाँ पे टीसीएस कैलकुलेट हो रहा है। बस को हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो दैट वाज द फर्स्ट सिनेरियो जिसके अंदर हमने देखा कि हम किस तरीके से रियलाइजेशन बेसिस के ऊपर हम टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, सेकंड हम देख रहे हैं ओवरराइडिंग रियलाइजेशन विद अक्रूअल बेसिस ऑन ट्रांजेक्शन वाइज, यानी कि हम एक ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं, जैसे हमने तो फिक्स कर लिया हमारी बिजनेस प्रैक्टिस ये है कि भाई हम रियलाइजेशन बेसिस पे चलेंगे, ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपके एक पार्टी है जिसने बोला कि ठीक है आप रियलाइजेशन बेसिस पे चलिए, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हम करने जा रहे हैं इसके ऊपर आप मुझे इनवाइस पर ही टीसीएस लगा के दे दीजिए, इनवाइस पर ही टीसीएस लगा के दे, यानी कि अभी तक तो उसके साथ मेरा रियलाइजेशन बेसिस पे काम चलता था, बट फॉर वन स्पेसिफिक इनवाइस ही रिक्वेस्टेड मी, दैट पर्टिकुलर कस्टमर रिक्वेस्टेड मी दैट आई वांट टीसीएस डिटेल ऑन माय इनवॉइस, ओके, दैट माइट बी वन टाइम रिक्वेस्ट, और हो सकता है कि वो अपनी प्रैक्टिस को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या फिर उसने क्लियर किया कि नहीं हमारा आगे जितना भी रहेगा वो रिलेशन भी रहेगा, क्योंकि अभी तक इस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कीजिए और इनवॉइस के ऊपर चार्ज करके दे दीजिए। अब कैसे करेंगे देखते हैं। तो कस्टमर का नाम है उन्नति डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड और ये इसका डिटेल है। तो अब ये कह रहा है यहाँ पे एक सिनेरियो पढ़ते हैं, एज यू नो नेशनल ट्रेडर फॉलोस कैलकुलेशन ऑफ टीसीएस ऑन रिलेशन बेसिस, जैसा कि हमने पहले सिनेरियो में देखा,
there is a customer who wants TCS to be calculated on invoice for a particular transaction, किसी एक transaction के लिए हो गया, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? क्योंकि transaction के base पे कह रहा है, तो हमें definitely sales के voucher से ही TCS collect करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे party का master बनाया। इस party के master में आप देखोगे, company resident, advanced configuration के अंदर हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, ये as it is है, कुछ भी हमने change नहीं किया, and इसका pen number हमने यहाँ पे enter कर दिया। ठीक है, इसको सेव करेंगे। Then sales, अब sales के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिया? Realization basis लिया। क्यों realization basis लिया? क्योंकि जो customer है हमारा, वो कह रहा है कि सिर्फ इस particular transaction में हमें accrual basis चाहिए। Otherwise हमारा अभी तक जितना चला है और आगे जितना चला है वो सब realization पे है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? Realization basis को override कर सकते हो। कैसे? यही आप एप्पल कीजिए इस स्क्रीन पे और देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, ओवरराइड टैक्स कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेशन बेस्ड नेचर ऑफ गुड्स। ठीक है, इसको आप क्या कर लोगे? यस कर लो। ठीक है, टीसीएस ऑन रियलाइजेशन बेसिस लिया और बेस्ड ऑन रियलाइजेशन को नो कर दिया, क्योंकि जो टैक्स कैलकुलेशन है वो रियलाइजेशन बेसिस पे हमें नहीं करना है। एंड देन यू कैन सी इस पर्टिकुलर पार्टी का पहला ट्रांजेक्शन है जिसकी टोटल अमाउंट 84 लाख है, जिसमें से 50 लाख माइनस हो जाएगा क्योंकि थ्रेशोल्ड है, बाकी बचे 34 लाख का 0.1% यानी कि 3400 यहाँ पे टीसीएस जो है वो कलेक्ट हो गए। यानी कि ये जो पर्टिकुलर उन्नति डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड है, अगर अगले ट्रांजेक्शन में मैं इसकी रिसीट के ऊपर टैक्स काट करता हूँ तो मैं काट, ठीक है? बट फिर से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रैक्टिस होगी, ये अगर आप दोनों प्रैक्टिस लेके चलेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रिपोर्टिंग लेवल पे तो आपको सब मिल जाएगा, सारा सेग्रीगेट होकर मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है तो दो प्रैक्टिस को लेकर चलना सही नहीं है। या तो आप कंप्लीटली रियलाइजेशन बेसिस पे जाइए या फिर कंप्लीटली अक्रुअल बेसिस पे, ठीक है? अदरवाइज वी कैन हैंडल बोथ सिचुएशन विद प्रोडक्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट हियर। ओके, तो ये सेकंड इनवॉइस हमने, थर्ड इनवॉइस हमने क्रिएट कर दी और आगे क्योंकि जीएसटी हमने इसमें नहीं लगाया, इसलिए जीएसटी का एरर इसमें आ रहा है, वो इंटेंशनली मैं अभी यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। और वो कस्टमर कह रहा है कि हम आपके साथ तभी डील करेंगे जब हमें आप बिल के ऊपर टीसीएस लगा के दो। यानी कि ये कस्टमर ही पूरी की पूरा अक्रुअल बेसिस पे जाना चाहता है। पिछले सिनेरियो में क्या था? पिछले सिनेरियो में पर्टिकुलर जो पार्टी थी उन्नति डिजिटल, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, इसलिए हमने उस ट्रांजेक्शन पे जाके एप्पल करके और उस ट्रांजेक्शन में ओवरराइड किया था, क्योंकि हमें मास्टर लेवल पे चेंज नहीं करना। अगर मास्टर लेवल पे चेंज करेंगे तो हर ट्रांजेक्शन पे लिख जाएगा, तो हमें सिर्फ ट्रांजेक्शन लेवल पे चेंज किया। बट यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे पर्टिकुलर कस्टमर ये कह रहा है कि हम आपके साथ बिजनेस में तभी आएंगे जब आप हमें अक्रुअल बेसिस पे करके दोगे। डेफिनेटली वो अक्रुअल बेसिस यूज नहीं करेगा, वो इतने टेक्निकल टर्म में वो कहेगा हमें बिल के ऊपर टीसीएस लगा होना चाहिए, दैट्स व्हाट अक्रुअल बेसिस, ठीक है? जो अभी हम देख रहे हैं अक्रुअल रिलेशन बेसिस। तो अगर ऐसा कस्टमर आपके पास है तो आप क्या करोगे? लेट्स सी। सो देयर इज वन कस्टमर फॉर डेस्कटॉप प्रो टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसका हमने बिल डाला, पार्टी बने। अब इस पार्टी का लेजर बनाने का हमें क्या ध्यान देना है? ये जो पार्टी है ये कह रही है हमें बिलिंग चाहिए तो टीसीएस के साथ चाहिए, ठीक है? अदरवाइज विल नॉट गो विद यू। ओके, तो हम क्या करेंगे जब इसका मास्टर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन यस करना पड़ेगा नीचे, ओवरराइड टैक्स कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेशन बेस्ड नेचर ऑफ गुड्स, यानी कि जो रियलाइजेशन बेस्ड नेचर ऑफ गुड्स है उसको मुझे ओवरराइड करना, ठीक है? अब ये क्यों ओवरराइड कर रहा है रियलाइजेशन को? क्योंकि जो बेस है वो रियलाइजेशन बेसिस ही होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी है कि लोग अक्रुअल बेसिस पे भी जा रहे हैं, लोग सेल्स इनवॉइस से भी बना रहे हैं, दैट इज अ प्रैक्टिस, ठीक है? बट अगर हम वर्ड बाय वर्ड चले, जो कहा गया है, जो लिखा गया है वो ये है कि आपको अमाउंट मिलने पर या एडवांस मिलने पर जो है आपको ये कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो दैट सिचुएशन कैन बी हैंडल। सो ओवरराइड टैक्स कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेशन बेस्ड नेचर ऑफ गुड्स, इसको आप क्या करोगे? यस, ठीक है? एंड देन इस चीज को ओवरराइड करना है, हमें रियलाइजेशन बेसिस को ओवरराइड करना है क्योंकि हम अक्रुअल बेसिस पे जाना चाहते हैं। तो जिस नेचर ऑफ गुड्स को आपको ओवरराइड करना है वो आप यहाँ पर दे दोगे, ठीक है? एंड आफ्टर दैट सेल्स,
अंडर सेल्स मैंने सेलेक्ट किया टीसीएस ऑन अक्रूअल बेसिस, अभी हमने बनाया था टीसीएस ऑन रियलाइजेशन बेसिस, क्यों? क्योंकि वो रियलाइजेशन बेसिस के लिए था। अक्रूअल बेसिस बनाते वक्त हमें सिर्फ एक चेंज करना है, हमें इस ऑप्शन को नो रखना है। तो अगर आपके बिजनेस में दोनों प्रैक्टिस चल रही है तो आपको दो नेचर आउटपुट बनाने पड़ेंगे, पहला बनाना पड़ेगा अक्रूअल बेसिस के लिए, दूसरा बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन बेसिस के लिए। अगर आप सिर्फ इनकी प्रैक्टिस को लेकर चलना चाहते हैं, जैसे अक्रूअल बेसिस को लेकर चलना चाहते हैं, तो सिर्फ अक्रूअल बेसिस को लेकर चलेंगे। ओके, सो अक्रूअल बेसिस को लेकर चलना है तो अक्रूअल बेसिस को ही लेके चलेंगे, तो हम यहाँ पे इसको नो रखेंगे, तो सिर्फ एक ही नेचर ऑफ गुड्स का काम हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया, जिस तरह से हम अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे उसके हिसाब से हमें मास्टर भी बेस में प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर हम दोनों सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, अक्रूअल भी और रियलाइजेशन बेसिस को भी, रिसीट बेसिस पे या बिल पे, बिलिंग बेसिस पे, तो हमें दो तरह के नेचर ऑफ गुड्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक मैंने बनाया टीसीएस ऑन रियलाइजेशन बेसिस, एक बनाया टीसीएस ऑन अक्रूअल बेसिस। बस एक कॉमन एक डिफरेंस उसमें सिर्फ इतना है कि टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, ये आप यस करोगे उसमें जब आपको रिसीट बेसिस पे टीसीएस लगाना होगा, ये आप नो रखोगे उस वक्त जब आपको बिलिंग बेसिस पे बनाना पड़ेगा। तो बार बार यस नो तो करा नहीं जाता, तो इसलिए हमने दो अलग इसको कर दिए। ठीक है, एंड देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने टीसीएस लगाया, तो इस पर्टिकुलर पार्टी का हेक्सा प्रो का पहला ट्रांजेक्शन था, तो 70 लाख में से 50 लाख थ्रेशोल्ड निकल गए, बचे 20 लाख, 20 लाख में से 0.1% मतलब 2000 रुपए का टीसीएस आपके ऊपर कलेक्ट हो गया। ठीक है, तो दैट वाज आवर थर्ड सिनेरियो। ठीक है, तो पहले सिनेरियो में हमने देखा जहां पे जो रियलाइजेशन बेसिस था वही हमारा मेन प्रोसेस था टीसीएस को कलेक्ट करने का। फिर आगे एक हमें एक्सेप्शन मिला, वो एक्सेप्शन क्या था कि हमारा एक ऐसा कस्टमर जो कि अभी तक तो रियलाइजेशन बेसिस में था, बट वो एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए कह रहा है कि मुझे इसको रियलाइजेशन बेसिस की बजाय आप अक्रूअल बेसिस पे मतलब बिलिंग बेसिस पे दे दीजिए, बिल पे मुझे टीसीएस दे दीजिए। दूसरा एक्सेप्शन हमने ये देखा कि जहां पे कस्टमर ही हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं मेरी बिलिंग अगर होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ टीसीएस बिल पर लगा होना चाहिए, अदरवाइज हम आपका ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, हम रिसीट मोड पे नहीं जा सकते। ठीक है, फिर अगला एक्सेप्शन हमने देखा, अब आगे बढ़ते कैलकुलेट टीसीएस ऑन अक्रूअल बेसिस। तो दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए हमें कंप्लीटली अक्रूअल बेसिस पे जाना है, हमने फिक्स कर लिया कि हम टीसीएस लगाएंगे तो अक्रूअल बेसिस पर ही लगाएंगे, हम रियलाइजेशन बेसिस पर नहीं जाएंगे, हम रिसीट मोड पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सेल बिल बनाएंगे और उसकी तरफ टीसीएस लगा देंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सिंपली ये कंपनी है कंप्यू सर्विस के नाम से, इसका मैंने मास्टर बनाया, इस मास्टर में मैंने इस चीज को यस किया, क्यों? क्योंकि ये पार्टी मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर पार्टी है ये सिर्फ और सिर्फ जो है अक्रूअल बेसिस पर ही ट्रांजैक्ट करेगी मेरे साथ, रियलाइजेशन बेसिस पे नहीं करेगी। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन जब भी मैं इसको ट्रांजेक्शन करूंगा तो मैं अक्रूअल बेसिस को ही लेकर चलूंगा। इन केस अगर आपको फिक्स है कि आप अक्रूअल बेसिस को ही लेकर चलेंगे, अपनी कंपनी में रियलाइजेशन को नहीं लेकर चलेंगे, तो आप यहाँ पर एनी की जगह अक्रूअल बेसिस को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एनी इसलिए दिया क्योंकि मैं एक ही कंपनी में दोनों का डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूँ। ठीक है, उससे क्या हुआ आपकी एंट्री जो है थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी और बाय डिफॉल्ट अक्रूअल बेसिस ही वो पिक करेगा। ठीक है, इसके बाद ये मैंने ट्रांजेक्शन एंटर किए और लास्ट में मैंने यहाँ पे टीसीएस अप्लाई कर दिया, तो ये बेसिक मेरा जो एक इनवॉइस है वो तैयार हो गया। 77 लाख में से मेरा 50 लाख थ्रेशोल्ड माइनस हो गया, 37 लाख में से 0.1% 27% टीसीएस जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सिनेरियो व्हिच इज इफ वी आर सेलिंग टू अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सेल कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन एंड सबसेक्शन वी कैन नॉट कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन और फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंटिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम उससे टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, किस तरह से हमें मास्टर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा देखते हैं। तो लेट्स से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे हम कोई पास अप्लाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इनवॉइस में कहीं भी टीसीएस लगा नहीं है, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है वो हमें बता देते हैं। तो हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे गए, यहाँ पे हमने कलेक्टेड एक्ट में हमने गवर्नमेंट सेलेक्ट किया, देन यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को हमने यस कर लिया। यस करने के बाद हम यहाँ पर आए, सेट अंडर जीरो और लोअर रेट फॉर
कैलकुलेशन, यानी कि या तो लोअर रेट पर कलेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए 5% अगर विद पैड अगर 0.1% पे, तो हो सकता है वो 0.07 पे आ जाए, 0.075 पे आ जाए, कम हो जाएगा। इसके लिए होता है कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं लोअर डिडक्शन के, वो वहां पर प्रोड्यूस करते पड़ते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे डिडक्शन होना ही नहीं है, लोअर की बात नहीं है, जीरो का जीरो डिडक्शन है, तो हम इसको यस करेंगे। यस करने के बाद अब ये जो गवर्नमेंट एंटिटी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके ऊपर टीसीएस लगना ही नहीं है, ना तो अक्रूअल बेसिस पे और ना ही रियलाइजेशन बेसिस पे। यानी कि अगर हम रिसीट भी बना रहे हैं तो भी टीसीएस ना कलेक्ट हो, और हम जब बिल बना रहे हो तो भी टीसीएस कलेक्ट ना हो, तो उस केस के लिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया पहले टीसीएस और अक्रूअल बेसिस। देन दो चीजें हैं, एक है 206C का कलेक्शन एट लोअर रेट, एक दूसरा है 206C1H कलेक्टिंग एलिजिबल फॉर एग्जेंप्शन, यानी कि ऐसे कलेक्टिव जिनको एग्जेंप्शन अलाउड है, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटीज पर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर आप टीसीएस नहीं कलेक्ट कर सकते, लोअर रेट पे क्या कलेक्ट कर ही नहीं सकते, तो हमने एग्जेंप्शन वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आई डिड सेम विद द रियलाइजेशन बेसिस, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब हम बिल बनाए तो भी ये काम ना हो, ठीक है, तो हमने रियलाइजेशन बेसिस को भी सिलेक्ट किया और इसको सेव कर दिया। Now, हमने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लेजर सेलेक्ट किया, सेल्स किया। अब सेल्स में हम चाहे यहाँ पे कुछ भी ले लें, क्योंकि बिल बना रहे हैं तो रियलाइजेशन बेसिस तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो रिसीट के टाइम पे आता है, अक्रूअल बेसिस आ रहा है, लेकिन अगर इसको सेलेक्ट भी कर लेते हैं और हम इसके बाद जाके नीचे टीसीएस अप्लाई भी करते हैं तो कोई अमाउंट यहाँ पर नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हमने एग्जेम्प्शन के अंदर उसको डाल रखा है और अक्रूअल के अंदर हमने बना रखा है, अक्रूअल जो टीसीएस नेचर ऑफ पेमेंट है उसके अंदर इस चीज को एग्जेम्प्शन के अंदर डालो, तो टीसीएस लगाने के बाद भी यहाँ पे टीसीएस कैलकुलेट नहीं हो, ठीक है। तो ये तो था गवर्नमेंट एंटिटी जहां पे, या गवर्नमेंट एंटिटीज के अलावा अगर कोई भी ऐसा बंदा कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहा है जिसके थ्रू आप ये एस्टैब्लिश कर सकते हो कि इसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट नहीं होना चाहिए, उन सबकी एडजस्टमेंट इसी तरीके से होगी, उन सबका कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में इसी तरीके से होगा। क्या करना है फिर से दिखा देता हूँ, आप उस पर्टिकुलर पार्टी के मास्टर में जाओगे जो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहा है, फिर आप उसके एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे टीसीएस के, और यहाँ पे सेट अल्टर जीरो एंड लोअर रेट कलेक्शन को यस करोगे, और जो भी नेचर ऑफ पेमेंट सॉरी जो भी नेचर ऑफ गुड्स आपको एग्जेम्प्शन में रखना है आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और उसको सेव करोगे, ठीक है। तो किसी भी तरह का अगर लोअर या जीरो रेट एग्जेम्प्शन हो रहा है तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कंडीशन व्हिच इज सेल्स मेड टू बायर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, जो हमने बात शुरू में कही थी कि एक पहली कंडीशन हमने देखी जहां पर टीसीएस भले ही मेरी कंपनी 15 करोड़ की हो पिछले साल में और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में डील कर रहा हूँ जो कि 90 लाख की, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है मैं दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी उससे टीसीएस कलेक्ट कर सकता हूँ। पहली कंडीशन तो हमने कही थी जहां पर टीसीएस नहीं, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, मेरा टर्नओवर पिछले साल 15 करोड़ का था, ठीक है, इस साल मैं किसी एक बंदे को सर्विस दे रहा हूँ उसके साथ मेरा टर्नओवर जो है 90 लाख, लेकिन फिर भी मैं उस पे टीसीएस कलेक्शन नहीं कर सकता अगर वो पर्टिकुलर बायर मेरी सप्लाई पर टीडीएस काटता हूं, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं किसी को एमसी सर्विस दे रहा हूं, आईटी की कोई एमसी सर्विस या कुछ भी दे रहा हूं, और मेरे और उसके बीच जो कंसीडरेशन अमाउंट है या लेट्स से बिलिंग अमाउंट है वो 50 लाख क्रॉस हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हम हमारे हमारे पास टीडीएस डिडक्शन का अभी है, हम आपको जो पेमेंट करेंगे वो टीडीएस डिडक्ट करके करेंगे, तो जो नेशनल ट्रेडर कंपनी है उसको टीडीएस डिडक्शन हो रहा है, वो टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट मिल रही है उसको, तो इस केस में वो जो ट्रांजेक्शन होगा उसके ऊपर इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कस्टमर प्रोफाइल टीसीएस का कलेक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस चीज को भी हमने ध्यान रखा, इसको हम कैसे कर रहे हैं देख लेते हैं। तो वेलकम टू द सुमन टेक्नोलॉजीज, अब क्योंकि हम यहाँ पे टीडीएस जो है जानते सभी को पता है कि सर्विस के ऊपर भी टीडीएस का कलेक्शन होता है, तो हमने यहाँ पे इसको अकाउंटिंग इनवॉइस पे ले गए, किस तरह से किया हमने, चेंज मोड में गए और चेंज मोड में जाकर यहाँ से हमने अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्ट कर लिया। अब इस पार्टी का मास्टर देख लेते हैं, इस पार्टी का मास्टर हमने बनाया है,
इस मास्टर के अंदर हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, ठीक है। देन हमने यहाँ पे एएमसी सर्विसेज को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको टीसीएस कैसे डिडक्ट करना है, तो मतलब किस बेस पे करना है, क्योंकि हम बिलिंग कर रहे हैं तो बिलिंग पे बिल्कुल क्लियर है, अक्रूअल बेसिस पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैच है, कैच क्या है, ये पर्टिकुलर पार्टी टीडीएस काटेगी मेरी इस एएमसी सर्विस की पेमेंट। जब ये मुझे 80 लाख का पेमेंट करेगी, लेट्स अस्सुम कर लेते हैं 10% टीडीएस कटेगा, तो 80 लाख में से 10% का टीडीएस रिडक्शन होगा, उसके बाद मुझे उसकी पेमेंट। तो क्योंकि वो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, अपने पास के ऊपर टीसीएस करेक्ट नहीं कर सकता, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एप्रोल करेंगे। एप्रोल करने का यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, स्पेसिफाई एग्जेम्पशन फ्रॉम टीसीएस और बायर डिडक्टेबल टीडीएस, यानी कि टीसीएस के एग्जेम्पशन को स्पेसिफाई करना है। अगर ये कोई ऐसा बायर है, जो कि सुमन टेक्नोलॉजी ये जो पार्टी है, ये ऐसी बायर है जो आपकी पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट कर रही है, तो आप क्या करोगे, इस ऑप्शन को यस कर दो, ठीक है। आपने अक्रूअल बेसिस सेलेक्ट किया, क्योंकि बिलिंग के ऊपर अक्रूअल बेसिस ही लगता है। फिर क्या ये जो पर्टिकुलर नेचर ऑफ पेमेंट है, ये एग्जेम्पशन में डालना है, जैसे याद होगा कि हमने गवर्नमेंट के केस में किया था, दोनों तरीकों को हमने एग्जेम्पशन के अंदर डाल दिया था। लेकिन क्योंकि बिलिंग के टाइम पर मैं कर रहा हूं, तो बिलिंग पे रियलाइजेशन नहीं आएगा, बिलिंग पे सिर्फ अक्रूअल हो जाएगा, तो इसको हमने क्या कर दिया, एग्जेम्पशन में डाल दिया, और इसके ऊपर हमने टीसीएस नहीं चार्ज किया, ठीक है। अब ये जीएसटी की एरर है, डेफिनेटली ऑब्वियस है कि वो आएगा, क्योंकि हमने जीएसटी इसके ऊपर लगाया, ठीक है। तो दो हमने कंडीशन देखी, जहां पे टीसीएस का कलेक्शन नहीं होगा, भले ही मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर रहा हो पिछले साल में, और इस साल कोई कस्टमर मेरा 50 लाख से ज्यादा की कंसीडरेशन या एडवांस अमाउंट की पर बैठा हो, ठीक है। अब हम लास्ट कंडीशन पे आते हैं, विच इज चार्जिंग जीएसटी एंड टीसीएस इन सेल्स इनवॉइस, जो मैं अभी तक बोलता रहा था कि हम उसको इंटेंशनली हटा रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी हमें लास्ट लेते हैं, यहाँ पर सिनेरियो जहां पे एक इनवॉइस बन रही है और उस इनवॉइस पर हम जीएसटी भी चार्ज करेंगे और टीसीएस भी चार्ज। अब सबसे पहली कंफ्यूजन में ये होती है कि क्या टीसीएस का कैलकुलेशन इनवॉइस में आइटम वैल्यू पे किया जाएगा, या फिर आइटम वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट मिलाकर किया जाएगा। जो 0.1% अगर फाइल अवेलेबल है, तो 0.1% डिडक्ट करेंगे किस पे करेंगे, 0.1% क्या इनवॉइस की वैल्यू पे जाएगा, या इनवॉइस वैल्यू प्लस टैक्स अमाउंट के ऊपर है। तो उसमें बात क्लियर है, क्या जो टीसीएस का कलेक्शन करेंगे वो आइटम की वैल्यू प्लस टैक्स अमाउंट, इन दोनों को जोड़ के तब आप जो है उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। तो देखते हैं इसको प्रोडक्ट में किस तरह से करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर हमारी पार्टी है कंप्यूटर किंगडम, जिसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है, इसका बैंक नंबर है, जीएसटीएन नंबर है, कर्नाटका की कंपनी है हमारी, ठीक है। तो ये कंपनी बनी हुई है, ये भी कर्नाटका में ही बनाई है मैंने, जो ये नेशनल इंटरबैंक के नाम से, ये भी कर्नाटका की कंपनी है। इस पार्टी का मास्टर मैंने प्रिपेयर किया, ठीक है। तो पार्टी के मास्टर में मैंने ये बताया कि इस पार्टी पर टीसीएस एप्लीकेबल है, इसके अंदर कोई एडवांस कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं किया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने, क्योंकि पार्टी जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है, तो मैंने इसका जीएसटी डिटेल भी यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है। अब हम सेल्स पे आ गए। अब सेल्स के अंदर हम यहाँ क्या लेंगे, क्योंकि हमें इस बिल पर भी टीसीएस चार्ज करना है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि बिल पर जब भी टीसीएस चार्ज करेंगे तो हम अक्रूअल बेसिस को लेकर चले, ठीक है। तो हमने अक्रूअल बेसिस को सेलेक्ट किया, देन हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक को सेलेक्ट किया। अब इसमें ध्यान दीजिए, मैंने जीएसटी की डिटेल जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये डिटेल मैंने यहाँ पे डाल रखी है, लैपटॉप उसका एक्सेसन कोड और बाकी सारी डिटेल यहाँ पर पड़ी हुई है, तो स्टॉक आइटम लेवल पे वो चीज नहीं मिलेगी। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी रेट डाला। अब यहाँ पे आएंगे सीजीएसटी का मास्टर बनाते हैं, गलती यही होती है, जब हम सीजीएसटी का मास्टर बनाएंगे तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, जिसको ब्यूटियन टैक्सेस जीएसटी में डालेंगे, और यहाँ पर आकर हम टीसीएस को एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि अगर हम टीसीएस को एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो टीसीएस के कैलकुलेशन में सीजीएसटी के अमाउंट नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आइटम की वैल्यू पर टीसीएस कैलकुलेशन करेगा। या मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, जल्दी जल्दी में सीजीएसटी पे तैयार कर दिया, एलसीएसटी पे करना भूल गए, तो कहोगे सर अमाउंट टैक्स तो कैलकुलेट हो रहा है बट पूरा कैलकुलेट नहीं हो रहा है ना, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो इस टीसीएस एप्लीकेबल करेंगे, और उसके बाद क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि हम कौन से बेसिस पे लेके जाएंगे वगैरह, क्योंकि क्या आप देखोगे
एक प्रोविजन है एडवांस रिसीट पर भी जीएसटी लगता है, ठीक है। तो अगर हम किसी से एडवांस रिसीट ले तो उसके ऊपर हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो डेफिनेटली उस समय भी हमें जीएसटी से चीजें मैच करनी पड़ेंगी। तो फिलहाल मैंने इसको पूरी और सेफर साइड मैंने इसको एनी रखा हुआ है। अदरवाइज आप श्योर है, जैसा मैं कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, अगर आप एक ही अप्रोच को लेकर चलना चाहते हैं लीगल अप्रूवल और रियलाइजेशन बेसिस, तो आप यहाँ पे उस अप्रोच को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल इसको भी एनी कर दिया। ये अमाउंट अपने आप आ गया 5,04,000। जैसा आप एंटर करेंगे तो क्योंकि सेल का बिल बन रहा है इसलिए अप्रूवल बेसिस सेलेक्ट करेंगे। सेम गोज विद एसजीएसटी, एसजीएसटी को भी ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी के अंदर रखना। डीसीएस एप्लीकेबल एनी कर दिया, लॉजिक में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अमाउंट अपने आप आ गया और यहाँ पे क्योंकि बिलिंग के अंदर है इसलिए अप्रूवल बेसिस आ रहा है। अगर आप उसको फिक्स कर देंगे तो ये आपको बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आएगा, सिर्फ आपको इंटर मार्क करना है। देन आपने टीसीएस बनाया, टीसीएस का मास्टर तो कोई अलग चीज नहीं, सिर्फ मैंने टीसीएस ड्यूटी एंड टैक्सेस अंदर टीसीएस रखा हुआ है। ये पुराना ही मास्टर है जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं, कोई मैंने अलग से मास्टर नहीं क्रिएट किया इसका। और इस पर टीसीएस ऑटोमेटिकली 1608 रुपए कैलकुलेट हुआ। अब ये 1608 कैसे आ रहा है देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाएंगे और रिलेटेड रिपोर्ट्स में यहाँ पे टीसीएस टैक्स एनालिसिस का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे एंटर कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है सेल्स की फिगर 56 लाख की है, सी जी एस टी इतना है, एस जी एस टी इतना है, टोटल मिला के 1,608,000। अब आप कहोगे सब जोड़ने में 1,608,000 तो आए, तो सिंपल सी बात है कि जो पार्टी है उसका थ्रेशोल्ड 50 लाख का है, हर पार्टी का थ्रेशोल्ड 50 लाख है। तो टोटल जो अमाउंट आ रही है उसमें से 50 लाख माइनस हो जाएगा, 50 लाख के बाद बचा 1,608,000। तो 1,608,000 का क्योंकि पार्टी के पास पैन नंबर था तो इसलिए 0.1% यानी कि 1,608 रुपए यहाँ पर टैक्स जो है वो आ गया, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब इतना सब करने के बाद हम क्या करेंगे, हम रिटर्न में बैंक का इंपैक्ट देख लेते हैं। तो हम गो टू में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे EQ। और आप देख सकते हो सारे ट्रांजेक्शन जो यहाँ पे थे वो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। जैसा कि कितने ऐसे अमाउंट 3,00,000 ये अमाउंट है जो आपकी एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर, तो हर पार्टी का देखेंगे 50 लाख की जो अमाउंट है वो अंडर एग्जेम्पशन जा चुकी है, उसके ऊपर की जितनी वैल्यू होगी डिपेंडिंग अपॉन इट्स कैटेगरी। जैसे कि कोई अगर लोअर डिडक्शन में था तो वो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो था वो लोअर डिडक्शन में या फिर जीरो डिडक्शन में था, तो यहाँ पे कोई टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जीरो में था, इस पर टैक्स हम लगा ही नहीं सकते थे। दूसरा है कलेक्शन एट नॉर्मल रेट, यानी कि जो स्पेसिफाइड रेट है 0.1% या विदाउट पैन 5% पे, हायर रेट 5% पे जाएगा और नॉर्मल 0.1% वाला इसमें जाएगा। कोई हमारा हायर रेट वाला ऑप्शन नहीं था, सारे के सारे पैन होल्डर थे, तो इससे 0.1% नहीं सारी फिगर यहाँ पर जो बची हुई है बैलेंस फिगर आफ्टर डिडक्टिंग द थ्रेशोल्ड अमाउंट की लाख रुपीज माइनस करने के बाद जो अमाउंट यहाँ पर है वो आ गई। अब इसमें एक चीज आप और देख सकते हैं, दो अगर आप दोनों अप्रोच को लेके चल रहे हैं और आपने टीसीएस ऑन अक्रूअल बेसिस और टीसीएस ऑन रियलाइजेबल बेसिस दो टीसीएस नेचर ऑफ रूल्स बना रखे हैं, तो आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आप एक समरी देखना चाहते हो कि मैंने रियलाइजेशन बेसिस पे यानी कि रिसीट पाउचर काटते हो कितना टीसीएस कलेक्ट किया है और बिल बनाते हो कितना टीसीएस कलेक्ट किया है, इन केस अगर आप दोनों अप्रोच को लेके चल रहे हैं तो उस केस में आप यहाँ पे इसका एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे जाइए, यू विल बी एबल टू सी कि कंसोलिडेटेड फिगर अक्रूअल वाइज और रियलाइजेशन बेसिस क्या है, ठीक है। तो जब अक्रूअल बेसिस पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे जो अमाउंट आएंगे ये सेल बिल के आएंगे, ये देखिए ये सेल बिल है, ये सेल बिल है और ये भी सेल बिल है, क्योंकि अक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है बिलिंग के टाइम पे। जब आप रियलाइजेशन बेसिस पे जाएंगे तो आप देखेंगे सारे के सारे रिसीव वाउचर है, ठीक है, ये एक है यहाँ पे डेल उन्नति का क्योंकि इसको हमने ओवर राइड किया, ठीक है, तो इसलिए ये जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है क्योंकि हमने मैनुअली इसको ओवर राइड किया था। इसकी सिचुएशन ऐसी थी कि सेल का था बट ये मतलब वैसे पार्टी तो हमारी इसकी थी रियलाइजेशन, लेकिन इसने एक ट्रांजेक्शन के लिए बोला था कि हमें इसको इस पर्टिकुलर बकेट के हिसाब से चाहिए, मतलब ये हमें बिल बढ़ चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये जो है यहाँ पर हमें शो करता है। तो दैट इज द थिंग, सिनेरियोस हमने देख लिए, ठीक है, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कोई सिनेरियो हमें मिल सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि हमें किसी एक प्रैक्टिस को लेकर चलना चाहिए, इनकेस अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रैक्टिस है तो हम इस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड मेरे क्वेश्चन आंसर अगर आपके कुछ है तो आप मेरे बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। Okay, if there's any question from anyone, you can please drop your questions in the chat box or
in Q&A box. Yeah, in Q&A, I got some. Okay, in some noises, there is no GST buy. मुझे ये देखिए ऐसा था कि मैंने जानबूझ के कंटिन्यूअसली इस बात को बोला था कि मैं जानबूझ के उस वहां पे जीएसटी लगा नहीं रहा था, लगना चाहिए था, कैलकुलेटेड जीएसटी लगना चाहिए था, बट मैं वहां पे इसलिए लगा था क्योंकि मैं शुरू के सेशंस में, शुरू के टाइम में कंफ्यूज जा रहा था, मैं चाह रहा था कि सिनेरियो था उसके अंदर मैंने जीएसटी के साथ